जय हिंद, आप सभी का हेडलाइन भोजपुरी में स्वागत है। जिस तरह से आप सभी को पता है कि आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है और हर जगह देश में खुशहाली का माहौल है, पर सरकार ने कुछ इस तरह कारनामे कर दिए हैं कि बिहार में इसको दुखद के रूप में मनाया जा रहा है। ये कहिए कि बिहार के आरा जिला में आरा बिहिया क्षेत्र में हर जगह धरना प्रदर्शन आज दिया गया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ तक कि ट्रेन को भी फूंक दिया गया है। ये और कोई ट्रेन नहीं, ये आरा सासाराम मेनू पैसेंजर है जिसे छात्रों ने आक्रोश में आकर फूंक दिया है। ये कहिए कि आग जला दिया है और पूरी तरह से ये ट्रेन अब सभी को फूंकते हुए नजर आ रही है। इसका कारण क्या है, तो इसका साफ तौर पर कारण यही बताया जा रहा है कि जो अभी NTPC का रिजल्ट आया है उसको लेकर ग्रुप डी के परीक्षा का पैटर्न चेंज करने के कारण छात्रों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। रिजल्ट की गड़बड़ी इतनी ज्यादा कर दी गई है कि एक छात्र का रिजल्ट 4 बार दे दिया गया है, यानी ये कहिए कि एक आदमी का 4 बार नाम आ चुका है। काफी इसमें देखा जा रहा है कि काफी गड़बड़ किया जा रहा है और छात्र और बड़े बड़े टीचरों का खासकर आरोप है। खान सर ने यहाँ तक कह दिया कि ये सरकार की भी है उसकी साफ तौर पर इसमें गलती है। अब देख सकते हैं किस तरह से आक्रोश है छात्रों में और आरा और बिहिया के क्षेत्र में काफी जाम देखा गया है। ये कहिए कि ट्रेन तक फूंक दी गई और काफी स्टेशन को क्षति पहुंचाया गया है। तौर पर देखा जा रहा है कि इसमें छात्रों का कोई लीडर नहीं है, छात्र अपने हक के लिए अपने इंसाफ के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आरा बिहार यानी आरा बिहिया और पटना जैसे क्षेत्र में जहाँ पर पढ़ाइयों को काफी महत्व दिया जाता है वहाँ का छात्र रेल के पटरी पर साफ तौर पर उतर चुके हैं। यहाँ तक देख सकते हैं कि ट्रेन को भी आग से जला दिया गया है। तो काफी अभी रेल मंत्रालय को कहिए या कहिए जो रेल का ये जो पैटर्न है इसको भी चेंज करना चाहिए और जिस तरह से ये गड़बड़ी हुआ है उसको जल्द से जल्द सुधार करना चाहिए। आज देश में काफी जगह खुशी मनाया जा रहा है तो वहीं बिहार के इन क्षेत्रों में दुख का घड़ी आ गया है। आप सभी का क्या राय है, जो ये हुआ क्या 26 जनवरी कैसे होना चाहिए और हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।